So my starting point is this proposition that the very foundation of Indian Republic is under challenge, under threat, that it needs to be saved. The very idea of India is under threat like never before. And this is a major challenge. मगर इसका मतलब है कि हमें बताओ कि what is the idea of India? What is the foundation? आप कह रहे हैं जड़ उखाड़ी जा रही है, दूसरे लोग कह रहे हैं नहीं, जड़ तो मजबूत हो रही है, तो हम कैसे कहें what is that foundation जिस पे हमारा देश खड़ा है? इस विचार को मैं कहता हूं भारत का स्वधर्म। हमें देखना होगा कि देश का स्वधर्म क्या है। एक बार हम समझेंगे स्वधर्म क्या है, फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा हम स्वधर्म की दिशा में जा रहे हैं या कि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। सो व्हाट इज दैट आइडिया ऑफ इंडिया, उस पे मैं कुछ बात करूंगा और फिर उसके बाद हम खुली चर्चा गपशप करेंगे किसी भी विषय पे, उससे ट्रिगर जो होगा। ठीक है, स्वधर्म। स्वधर्म नाम सुनते ही हमारे मन में जो एक आजकल होता है ना, धर्म सुनते ही हमारे मन में रट्टी बन जाती है। हिंदू मुस्लिम सिख चर्च मंदिर मस्जिद वहीं बनाएंगे वहां नहीं बनाएंगे इत्यादि, ये सब हमारे मन में। ये धर्म शब्द का बहुत ही वल्गर फॉर्म है। देखिए, धर्म इज नॉट रिलीजन। पहली बात, हमारी संस्कृति में जो शब्द धर्म आता है, धर्म क्या है? मैं कहूंगा ये जो डॉक्टर अभय बंग यहां कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस जिले के लोगों से पूछा जाए तो कहेंगे बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। आप सड़क पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति पड़ा है और आप उठ के चल दे वहां पे बिना उसको देखते हुए, तो कोई आपको रोकेगा या तेरा धर्म नहीं कहता कि तुम इसको उठाओ, सड़क पे पड़ा है यार, इसको कम से कम अस्पताल तक तो पहुंचा दो। ये धर्म है। आजकल इसका इस्तेमाल रिलेटिवली कम होने लगा है, लेकिन अगर हमारे आप पूरी परंपरा उसमें देखें तो धर्म का ये मतलब है। और केवल मैं एटाइमोलॉजी और ओरिजिन्स और वो सब नहीं कह रहा, डीप संस्कृत की टेक्स्ट में ये है वो नहीं, साधारण भाषा में भाई धर्म का काम है, अरे इतना तो कर दो। ये जो इस धर्म का जिसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो धर्म उस सेंस में जहां एथिक्स है, ड्यूटी है, सिर्फ इंटरपर्सनल मोरालिटी भी है और एक डीपर एथिक्स का सवाल, क्या उचित है, क्या करने लायक है। स्वधर्म मेरे बनावट में, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, द वे आई एम सपोज टू डू ए फ्यू थिंग्स विच आर बिल्ट इन टू द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हु आई एम। अब आप कहोगे कि ये स्वधर्म ठीक है, इंसान का हो सकता है स्वधर्म, समझ आ गया, जानवर का हो सकता है, समझ आ गया, ये देश का क्या स्वधर्म हो सकता है? देश तो क्या है, कागज का टुकड़ा है, एक ड्राइंग है, एक आपने बाउंड्री ड्रॉ कर दी, उसके अंदर रहने वाले लोगों को आपने देश कहना शुरू कर दिया। लेकिन दरअसल देश वो भी नहीं, देश उससे कुछ ज्यादा है। जो आज भारत राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन स्टेट, उसका इज एन आइडिया विच हैज शेप्ड इट। और वो आइडिया कहां से आता है? वो आइडिया हमारे 150 साल के स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष से आता है। कल रात डॉक्टर बंग से बात हो रही थी भारत के संविधान के बारे में, कि संविधान कोई एक्सीडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि अचानक कुछ लोग बैठे, उनका मन किया, उन्होंने एक संविधान लिख दिया उन लोगों की इच्छा के अनुरूप। नहीं, ये जितने भी विचार हैं ये हमारे 100 कम से कम उससे पिछले 100 साल के संघर्ष में तय हुए। सो आई एम इंटरेस्टेड इन द आइडिया दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिया, देयर इज अ क्लियर आइडिया एंड दैट आइडिया नीड्स टू बी रिकवर्ड। और जब मैं इंडिया भारत का इस्तेमाल कर रहा हूं तो अभी मैं 5000 साल के भारत की बात नहीं कर रहा, वो भी है, उस पर भी लिखना चाहिए, उस पर भी सोचना चाहिए, लेकिन शायद मेरी कॉम्पिटेंस नहीं है उसके बारे में बोलने की, और शायद आज जो मेरी चिंता है उसका उससे संबंध कम है।
सो मैं इंटरेस्टेड हूँ रिपब्लिक ऑफ इंडिया जिसका पासपोर्ट लेके हम घूमते हैं, 26 जनवरी 1950 को जो इंडिया बना उसका स्वधर्म क्या है। मेरा सुझाव प्रस्ताव बहुत सोचा मैंने इस प्रश्न पे, मुझे लगता है उसके तीन कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स हैं इंडिया के, वो वैसे ही बता देता हूं आपको याद रह जाएंगे, कहीं उसमें भी लिखने की लायक बात नहीं है। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट, 3 D's। मोदी जी से कुछ चीजें मैं सीख रहा हूं, ये बनाने जरूरी होते हैं। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट, ये तीन सिद्धांत हैं, तीन पिलर्स हैं, तीन कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब आप सोचेंगे तो आपको पहले लगेगा इसमें क्या, मैंने तो सोचा था कुछ बहुत गहरी भारतीय परंपरा की बात निकलेगी, ये क्या हुआ, ये तो तीनों ही वेस्टर्न चीजें हैं। डेमोक्रेसी, व्हाट इज इंडियन अबाउट डेमोक्रेसी, तो ग्रीस में पैदा हुई थी, अंग्रेजों ने हमें सिखाई थी, फिर हमारे पास आई थी, व्हाट इज इंडियन अबाउट डेमोक्रेसी। तो हमारे पास लोकतंत्र का विचार पश्चिम से आया, इसमें कोई शक ही नहीं, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन टू फील ऑकवर्ड और एम्बैरेस्ड अबाउट इट। लेकिन भारत में आने से पहले दुनिया में किसी को विश्वास नहीं था कि लोकतंत्र एक गरीब और अनपढ़ समाज में आ सकता है। डेमोक्रेसी वॉज बेसिकली लिटिल प्लेस फॉर रिलेटिवली बेटर ऑफ सोसाइटीज, जो दुनिया के अमीर देश थे उनका खिलौना था, और ये यूरोप वगैरह ने कोई आज से 200-300 साल पहले सब लोगों को वोट नहीं दिया था। You know when universal adult franchise actually came to US? अमेरिका में, जैसे आज भारत में है ना universal adult franchise, हर व्यक्ति को पूछा नहीं जाता तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो, औरत हो आदमी हो, सबको मिलता है वोट। अमेरिका में कब मिला था वो वोट? 1957 की भी बात नहीं, mid 60s में जाके अमेरिका में actually universal adult franchise आया था। ये बेस्ट हमें अपने बारे में स्टोरीज जो बताता है और उनकी रियलिटी, उसमें फर्क रहता है। सो यूएस गॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आफ्टर अस, तो मैं खैर इतना ही गलत, क्योंकि वहां ब्लैक्स के लिए नहीं थी, बहुत प्रोविंसेस के अंदर ब्लैक्स के लिए नहीं थी एडल्ट फ्रेंचाइज। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि यूरोप ने ये जो डेमोक्रेसी है इसको बहुत छोटी छोटी डोजेज में रिलीज किया, और एसेंशियली डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट अमीर देशों के, अमीर समाज के, पढ़े लिखे एलीट के लिए छोटा सा खेल था, एंड नो वन बिलीव्ड कि ये पूरे दुनिया पे लागू हो सकता है। इसलिए जब भारत में पहला चुनाव हुआ तो लोग, आप उस जमाने के अखबार पढ़िए, उस जमाने के कार्टून्स देखिए, लोग सब हंसते थे कि क्या पागलपना आया नेहरू के दिमाग में, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चलेगा थोड़ी, जिस देश में इतनी गरीबी है, जहां इतनी अनपढ़ है, 70% लोग अनपढ़ थे, वहां डेमोक्रेसी चल थोड़ी सकती है। इट इज ओनली आफ्टर डेमोक्रेटिक इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया एंड कंटिन्यूड फॉर 2 or 3 times that the rest of the world believed that democracy was indeed possible in the rest of the world. India democratized the idea of democracy.